हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विच कीबोर्ड यू शुड बाय फॉर एन एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो से पहले आपने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बताया है कि आपको समथिंग बजट के अंदर ऐसा कीबोर्ड लेना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज किसी स्पेसिफिक कीबोर्ड के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको कीबोर्ड के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो एक कीबोर्ड में होने चाहिए एग्जाम देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं मेनली ट्रिनिटी, रॉक एंड पॉप और इंडियन एग्जाम्स को फोकस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी भी ये टीचर एंड स्टूडेंट्स में बहुत कम नॉलेज है इस चीज की कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला फीचर हमारे कीबोर्ड में होना चाहिए दैट इज रजिस्ट्रेशन बैंक। दोस्तों, दिस इज मस्ट। आपके कीबोर्ड में रजिस्ट्रेशन मेमोरी या बैंक होने ही चाहिए। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास कम से कम 4 रजिस्ट्रेशन मेमोरी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एग्जाम के लिए लिमिटेड टाइम होता है, जैसे कि 10 से 15 मिनट। तो उसमें हमें अपना टोन्स, स्टाइल्स एंड वेरिएशंस पहले से ही सेट करके लेके जाना होता है, ताकि हमारा वहां पे जाके टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके पास जितने रजिस्ट्रेशन मेमोरीज होंगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। और दोस्तों, वैसे भी हमें अगर हम कोई भी पीस प्ले करते हैं अपने, मैं स्पेसिफिक ट्रिनिटी एंड रॉक एंड पॉप की बात कर रहा हूँ, अगर हम कोई भी पीस प्ले करते हैं तब हमें इंस्टेंट टोन चेंज चाहिए होता है। तो अगर आपके पास उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन मेमोरी का ऑप्शन नहीं है तो आपको टोन चेंज करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी भी कुछ मार्केट में ऐसे कीबोर्ड्स हैं जैसे कि यामा F51 जिनमें रजिस्ट्रेशन मेमोरी नहीं है, और इवन की कैसियो की जो नई सीरीज आई है CTS 100, CTS 200, CTS 300, इनमें भी सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन मेमोरी है। तो दोस्तों, मैं सुजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 2 या कम से कम 4 रजिस्ट्रेशन मेमोरी आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप ट्रिनिटी या रॉक एंड पॉप के एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आपके कीबोर्ड में टच रिस्पांस का फीचर होना ही चाहिए। दोस्तों, हमें अपने पीसेस में डिफरेंट डायनामिक शो करने होते हैं, जैसे कि लाउड, एक्स्ट्रा लाउड, सॉफ्ट एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जिन्हें कि हम म्यूजिकल लैंग्वेज में MF, MP, PP या FF बोलते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी अगर आपकी प्लेइंग पियानो से इंस्पायर्ड है, अगर आप पियानो प्लेइंग अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपके कीबोर्ड में टच रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो कैसियो के बेसिक कीबोर्ड आते हैं बेसिक लेवल पे, उन पे टच रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आप प्लीज वो चीज देख के अपना कीबोर्ड परचेज कीजिएगा कि उस कीबोर्ड में टच रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर आपके कीबोर्ड में होना चाहिए वो है 2 वेरिएशंस, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में वेरिएशन ए या वेरिएशन बी भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी कीबोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपने ये बातें लिखी जरूर पढ़ी होगी, फिलिंग, फिल टू ए, फिल टू बी, वेरिएशंस, ये सारी चीजें। और दोस्तों, वैसे भी अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो उसका लाइव जैसा फील देने के लिए उसमें ड्रम रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। तो आपको कम से कम, मैं सुजेस्ट करूंगा कि आपके कीबोर्ड में 2 फिलिंग्स होने ही चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ फिल इन लिखा होता है, तो दोस्तों फिल टू ए या फिल टू बी वाला ही कीबोर्ड लीजिएगा। दोस्तों, फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कीज एंड ऑक्टेव ट्रांसपोज। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 61 कीज का होता है या फिर 5 ऑक्टेव का। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है कि वो 44 कीज का ले लेते हैं एक मिनी कीबोर्ड। जैसे कि कैसियो के कीबोर्ड्स आते हैं SA76, SA78 या फिर यामा का F30। दोस्तों, ये कीबोर्ड सिर्फ बच्चों के बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल के लिए या फिर बिलो 8 एज के लिए है। दोस्तों, अगर आप 8 साल से ज्यादा हो तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप एक 44 कीज का कीबोर्ड लो। मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप 61 कीज का ही कीबोर्ड लें।
दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ऑक्टेव ट्रांसपोज। कई बार दोस्तों हमें पीसेज में सेम टोन को एन ऑक्टेव हायर और एन ऑक्टेव लोअर बजाना होता है, तो दोस्तों उस केस में हमें ऑक्टेव ट्रांसपोज का बटन चाहिए होता है। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड के पीसेज आते हैं जिनमें हमें ये फीचर्स चाहिए होता है। तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आपके कीबोर्ड में कीज 61 एंड ऑक्टेव ट्रांसपोज का बटन होना ही चाहिए। आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनका आपको सम अप करके बता रहा हूं। दोस्तों उसमें से फर्स्ट है पोर्ट्स। दोस्तों आपके कीबोर्ड में कम से कम दो पोर्ट्स, फर्स्ट इज लाइन इन पोर्ट जिसे हम ओडीएन पोर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा पोर्ट है सस्टेन पेडल का पोर्ट। ये दोनों पोर्ट्स होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आजकल कीबोर्ड्स में मीडी पोर्ट भी दे देते हैं, लेकिन दोस्तों एक बेसिक लेवल का कीबोर्ड हम मीडी कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड में कम से कम दो पोर्ट्स होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज ऑडियो इन एंड देन सस्टेन पेडल पोर्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कीबोर्ड के बारे में बात करना चाहूंगा, यामा F51। दोस्तों मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यामा F51 कीबोर्ड लें। ना ही इसमें टच रिस्पॉन्स है, ना ही इसमें रजिस्ट्रेशन मेमोरी है, ना ही इसमें सस्टेन पेडल का पोर्ट है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिसिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक लर्नर हैं तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आप एक अरेंजर कीबोर्ड ही लें, और आप कभी भी सिंथेसाइजर कीबोर्ड की तरफ मत जाएं जब तक आप सीख रहे हैं एटलीस्ट। दोस्तों अरेंजर कीबोर्ड में आपको बहुत सारे स्टाइल्स, टोन्स, फीचर्स जो एक बेसिक स्टूडेंट को चाहिए सीखने के लिए, वो सब कुछ अरेंजर कीबोर्ड में मिल जाता है। दोस्तों रोलैंड के कीबोर्ड पे आप एग्जाम कभी भी नहीं दे सकते हो सिवाय दो कीबोर्ड्स को छोड़ के। वो कीबोर्ड्स हैं X20 एंड X30। दोस्तों ये कीबोर्ड्स सिर्फ दो हैं रोलैंड के अरेंजर कीबोर्ड्स, बाकी कोई भी रोलैंड का कीबोर्ड XPS10, XPS30 या फिर फैंटम के कीबोर्ड पे आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर आप एक इंडियन टीचर हैं तो आजकल यामा का एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड आया है दोस्तों, यामा i500। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है और इसमें बेसिकली एक रियाज बटन है जो स्पेसिफिकली इंडियन स्टाइल्स, इंडियन टोन्स के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है, और दिस इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो मैं दोस्तों बोलूंगा कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को रैक्स करवाते हैं तो आप यामा i500 परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस। यहाँ पे दोस्तों मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हर एक ब्रांड के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊं तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।